गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी। मैं दयाल चौधरी। आज पीरियोडिक टेबल में अपन आगे की बातें डिस्कस करते हैं। अपना वही पैटर्न रहेगा जैसे कि अपन ने पहले में क्या किया था, 30 क्वेश्चन अपन ने पढ़े और कोशिश की कि उनके आसपास की पूरी थ्योरी अपन ने उसमें समझने की कोशिश की। वैसा याद रहेगा अपने पास, वही अपने पास क्वेश्चन से शुरू करें सर। बिल्कुल सर। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। बेटा एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखा करो, यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाया करो कि गलत पूछ रहा है और इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। पहले ऑप्शन में बात करें अपन, जेड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड साइज रिमेनिंग अनइफेक्टेड ऑन जेड इफेक्ट इंक्रीमेंट। जेड इफेक्ट में वृद्धि के साथ आयनन विभव तथा आकार अपरिवर्तित रहता है। बेटा एक चीज याद रखना कि जब जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा, आकार क्या आ जाएगा अपने पास, घटेगा, अपने नॉर्मल से कम आएगा। और जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, जेड इफेक्ट घटेगा ही घटेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा आ गया अपने पास, मतलब रॉन्ग आ गया। आप ये कहना चाह रहे हो सर कि जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब कि वो कंट्रैक्शन को प्रेरित करेगा, कहने का मतलब कि वो साइज को छोटा करेगा। तो समझ गए होंगे आप सर क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए। मेटलिक करेक्टर इंक्रीज विद लोअरिंग इन आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, हमेशा ध्यान रखना मेटल के करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और आईपी अगर कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर उसकी ज्यादा है, तो लोअर आईपी जब भी रहेगी तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेंगे। जैसे अपन ग्रुप की बात कर ले सर, डाउन द ग्रुप अपना क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिग्रीज होती है, तो मेटलिक करेक्टर बढ़ते हैं। और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेट में शायद अपन सीजियम को काम लेते हैं। क्यों सर? और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ती है, आईपी बढ़ेगी तो आयनिक मेटलिक करेक्टर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब आईपी सर जेड इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्ट आना जरूरी है अगर पीरियडिसिटी चाहिए। बिल्कुल सर। तो आप जेड इफेक्ट के लिए पूरा तैयार रहे, एक सेल्डिंग इफेक्ट भी। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ये दो चीजें हैं जिनमें आपको अगर पीरियडिक टेबल में ये दो चीजें खेलना आ गई ना तो आप पीरियडिसिटी खेल जाओगे। क्यों सर? बिल्कुल, जेड इफेक्ट से हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जेड इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये करेक्ट कैसा हो गया, सही हो गया। अगला देखिए सर। नेक्स्ट बार का लैग्रैंज कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर 5D सीरीज एलिमेंट्स। लैग्रैंज संकुचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों के लिए आयन विभव के मान स्वीकार्य मानों की तुलना में अधिक होते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी अलग बनी हुई है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसा अपन नॉर्मली देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रही है तो क्या होता है, आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वैसा नहीं मिलता किसमें, 5D श्रेणी में। किसके कारण? लैग्रैंज संकुचन के कारण। बेटा आप साइज के बारे में तो बात कर चुके हो, अपन देखते हैं नॉर्मली 3D और 4D, फिर 5D, 4D एंड 5D श्रेणी की अपने को साइज कैसी मिलती है, इक्वल मिलती है, किसके कारण सर? लैग्रैंज कॉन्ट्रैक्शन के कारण। हाँ जी सर। सर ये लैग्रैंज कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? लैंथेनाइड कंट्रक्शन बेटा क्या होता है, 4F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है किसका, 4F इलेक्ट्रॉनों दुर्बल, उसके कारण अपने को क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन डेवलप होता है, जिसके कारण क्या होता है, 4D एंड 5D श्रेणी की साइज कैसी आ जाती है, इक्वल आ जाती है। साइज इक्वल आ गई, इसका क्या हो गया, किसके कारण, जेड इफेक्ट बढ़ जाने के कारण। इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन में इसका जेड इफेक्ट अपने को ज्यादा मिलता है, जेड इफेक्ट बढ़ गया तो आईपी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हो गया सर, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि 5F डिफ्यूज है तो वो भी कंट्रैक्शन जेड इफेक्ट की वजह से ही लगेगा। बिल्कुल सर। अगर सर किसी कारण 4F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण या दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण कौन आ गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन आ गया, और 5F की वजह से के कारण एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा। बेटा ये तीन चांद याद रखना जिंदगी में, एक तो लालचंद, हमीरचंद एंड ताराचंद। ये ताराचंद ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये किसके कारण आएगा, 3D इलेक्ट्रॉनों के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब सर जहां शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है वहां जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को ये पूछना था कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन करवा ले तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। किसके कारण सर? आप समझ गए होंगे कि एक्टिनोइड ज्यादा, 4 से 5 की साइज बढ़ी है तो यहाँ पे डिफ्यूज ज्यादा है तो जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट डालेगा। क्यों सर? तो मतलब ये अपना स्टेटमेंट तो सही हो गया सर। बिल्कुल सर। मतलब अपना रॉन्ग स्टेटमेंट अभी सिर्फ फर्स्ट आया सर। फोर्थ देखें सर। फोर्थ देखें सर। हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डज नॉट अफेक्टेड द पीरियडिसिटी इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनन विभव में आवर्तता को प्रभावित नहीं करता। ऐसी नहीं बात है बेटा, अपन पहले बात कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉर्मली तो क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण आईपी बढ़ती है, परंतु कई जगह कहां सर जी,
जैसे कि आप ही आ गया यार, पेनिट्रेशन आ गया, बिल्कुल सर, मतलब कि अपने सेकंड ए और थर्ड ए की जब बात करते हैं तो इसकी बजाय तो बेटर सर ये रहेगा, मैं ये कह दूं कि NH2 और NP1 की जब बात करते हैं, क्योंकि जरूरी सर हमेशा यही लगे सेकंड आई भी आती है चेंज हो जाएगा सर, तो आप ज्यादा ये ध्यान रखो कि जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा पेनिट्रेशन लग जाएगा, बिल्कुल क्यों सर, अपन ने एक लाइन पढ़ी थी P6 P5, हाँ, वो आप वाली लाइन बिल्कुल वही लगा लिया थे, आपने देखा होगा कि मैंने वो ट्रिक सर से सीखी थी और सवाल बनाए थे अपने, लास्ट वाला सवाल मैंने किया था मेरे को याद है, वैसे ही सर फिर हाफ फिल वाला अपन ये बोल सकते हैं कि NP3 और NP4 में लगता है और इसी की वजह से इसकी ज्यादा होती है, बिल्कुल सर, इसका मतलब सर ये बात तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, नहीं रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो एक बार दोबारा मैं लिख रहा हूँ, वो क्या क्या चीज थी, सबसे ज्यादा P6 फिर P5 फिर कौन था P3 फिर P4 ये लिखा था मैंने यहां पर, ये हाफ फील्ड के कारण क्या हो गया था आगे निकल गया था। नेक्स्ट बात करें इसके बाद में कौन था P2, इसके बाद में कौन था S2 और इसके बाद में कौन था P1 और इसके बाद में कौन था S1, तो ये अपने पास दोबारा अपने पास दोनों चीजें कहां कहां आ गई ये बता दीजिए सर, तो देख सके आप देख पा रहे हो यहां पर एक तो यहां पर वेरिएशन आया है P3 P4 में जो आया है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और एक वेरिएशन आया है पेनिट्रेशन की वजह से, क्यों सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसका मतलब सर अपना फर्स्ट और ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो अपने फोर्थ के साथ ऑप्शन आ गया अपना फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ सेंटर मेटल एटम, तो सर ये तो मैं आप वाली ट्रिक लगाऊंगा, बिल्कुल सर, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने कहा था प्लस बड़ा तो साइज घटी, बिल्कुल, क्यों सर, सेम आयन के लिए बात कर रहे हैं, सेम आयन के लिए ये याद रखना, सेम आयन के जब जब पॉजिटिव आयन चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगी, और जब जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, कीजिए सर, तो यहां से इसकी ऑक्सीडेशन अगर मैं मेजर करता हूं तो ये प्लस सिक्स आ जाएगी, ऑक्सीडेशन तो आपको निकालना आता है देखो, फिर उसके बाद में इसकी अगर मैं निकालता हूं तो सर मेरे पास प्लस सेवन आ गई, बिल्कुल सर, इसकी सर प्लस फाइव आ गई, फोर, हाँ प्लस फोर, बिल्कुल, इसकी प्लस फोर आ गई और इसकी आ गई प्लस फाइव, तो उस हिसाब से मेरे पास सबसे स्मॉल तो हो गया सर मेरे पास सेकंड हो गया, बिल्कुल सर, इससे लार्ज मेरे पास आ रहा है सर ये फर्स्ट, इससे लार्ज मेरे को मिल रहा है सर थर्ड, फोर्थ, एक मिनट, हाँ प्लस फाइव, प्लस फाइव, तो फोर्थ और लार्जेस्ट अपने पास हो गया थर्ड, थर्ड, क्यों सर, बिल्कुल सर, तो ऐसा ऑप्शन अपना सेकंड आ गया सर, सेकंड आ गया, सेकंड, सेकंड लार्ज, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल अपन ने यू लिख लिया उसमें, हाँ। यू लिख रखा है, आप समझ गए होंगे ये ऑप्शन थोड़ा सा यू पलटी मार दो R180 का, सेकंड आ गया, क्यों सर, बिल्कुल सर, अब इसमें अपन क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसे ही आपको बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन माइनस वन, नाइट्रोजन माइनस टू एंड नाइट्रोजन माइनस थ्री, इसमें कैसे करेंगे सर, कि वही सर आपका फंडा, नेगेटिव बढ़ा साइज बढ़ी, मैं तो सर आपकी चीज पकड़ गया एकदम, बच्चे भी पकड़े, नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा साइज वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, एक एटम के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एटम के लिए बात कर रहे हैं बेटा, अगर आप किसमें कंपेयर कराओ सीजियम प्लस वन एंड फ्लोराइड माइनस वन में कंपेयर कराओ, तो यहाँ चार्ज से अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नंबर ऑफ शेल से अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और जैसे और देख सकते हैं अपन, ओ प्लस प्लस टू, ओ प्लस वन, ओ माइनस वन एंड ओ माइनस टू, ये इस पर एक्सप्लेन कर दीजिए सर, बिल्कुल सर, आप वाला एक घंटा लगाऊंगा मैं तो, प्लस जैसे कम होगा साइज बढ़ेगी, बिल्कुल सर, एटम के और फिर N9 पे फिर बढ़ रही है साइज, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ सर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेशियम, आईपी का निम्न में से कौन सा क्रम आयनन ऊर्जा के संदर्भ में गलत है, बताएं सर, कल आपने इसके लिए बात की थी, डिस्कस किया था, बिल्कुल सर, कौन से 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप के लिए क्या बताया था, बताएं 13 और 14, और सर यहां से नीट में पूछा हुआ है, नीट 2016 में भी आया है, उसके बाद में ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया हुआ है, आप बताएं सर, देखो इनमें एक चीज तो ये याद रखो, जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसकी तो सबसे कम होगी, बिल्कुल, क्यों सर, अब इसमें अपन बात करते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये अपना 13 हो गया, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और अपना थैलियम, वैसे ही अपने 14 की अगर बात करते हैं तो अपना हो गया सर कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, अपना टिन और लेड, मैंने तो सर इसको एक ट्रिक से याद रख रखा है, ये नीचे जाते हुए हमेशा बढ़ती है, तो मैंने तो सर इसको यूं कर रखा है, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन आ गया तो ये पलटी मार जाएंगे, चंद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका तारा चंद आ गया और ये पलटी मार जाएंगे, तो यहां से अगर मैं सेट करूं तो बोरोन से ज्यादा अपना गैलियम आ जाएगा, ये एल्युमिनियम, और
यहाँ पे लेंथ एंड कंट्रक्शन काफी इफेक्टिव होता है, इस वजह से ये अपना यहाँ आ जाता है, तो ये अपना आ जाएगा थैलियम में और मिनिमम सर अपनी ये होगी। तो ये तो सर मैंने ऐसे याद रखा बिल्कुल। फिर मैं सर फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ वाले में मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि फोर्थ में ट्रांजिशन कंट्रक्ट ताराचंद सिर्फ आपका 13वें तक रहेगा, क्यों सर स्मॉल वीक है और ये आके 14 तक चला जाता है लेंथ एंड कंट्रक्शन, तो इसमें मैं सिर्फ लास्ट वाले दो को पल्टी मारता हूं सर, तो ये आ गया। अब इनमें मैं बात करूं तो सर ये लेड है और ये टिन, क्यों सर बिल्कुल सर, तो उस हिसाब से ऑप्शन तो अपने राइट हो गए, राइट हो गए। अब इनमें बात करें सर, इनमें सर वो आप वाला लगाऊंगा मैं बिल्कुल, ये तो मेरा हो गया सर P3 P1 और ये मेरा हो गया सिलिकॉन P2 बिल्कुल, और ये हो गया सर मेरा P3 बिल्कुल, और ये सर हो गया P4 तो ये सर गलत हो गया ना, आपने तो कहा था कि P4 ही आएगा, बिल्कुल सर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, तो ये रॉन्ग हो गया। और बाकी ये भी सर की ट्रिक से हो रहा है, मेरे तो हो रहा है आपका पता नहीं भाई। देखो सर ने कहा था कि A9 की साइज बड़ी होती है और K9 की छोटी होती है, तो साइज का ऑर्डर ये हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा चला गया, क्यों सर, तो आयनाइजेशन के लिए सही। यहां बेटा आप एक गलती करते हो, क्या गलती करते हो वो मैं कल भी बता चुका हूं आपको, आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हो, ये बच्चे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि सर ने ये बताया था P1 P2 P4 P3 बताया था सर ने, मैंने बेटा वो किसके लिए बताया था, एक सीरीज के लिए बात की थी, आप वो यहां पर एक्सप्लेन मत करना, यहां अलग अलग एलिमेंट्स आ गए हैं, यहां आंसर किससे जाएगा जेड इफेक्ट से जाएगा, एक एलिमेंट के लिए आंसर आपको किससे देना है हमेशा जेड इफेक्ट से देना है, जेड इफेक्ट देखोगे सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट अपने को इन तीनों में किसका मिलेगा O प्लस का मिलेगा, फिर O का मिलेगा और फिर O माइनस का मिलेगा, तो मतलब स्टेटमेंट कैसा है अपना सही है, तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर कौन सा आ गया सेकंड आंसर आ गया। कल भी सर ने कहा था कि जो एटम होते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग आयन होता है वहां पर स्टेबल कॉन्फिगरेशन से कंसिडर नहीं करते, बाकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है लेकिन एटम और क्रॉसबॉन्डिंग आयन के लिए नहीं करता है। अब जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लगाते तो इसका क्या बन जाता बेटा P3 बन जाता, इसका क्या बनता P4 बनता, इसका क्या बनता P5 बनता, अगर यहाँ लगाते तो अपना रॉन्ग आंसर आता बिल्कुल सर, इसी हिसाब से तो मेरा ये आ जाता फिर, तो मैं ये करता ये जो कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया पूरा ही, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता रॉन्ग होता। तो बात समझ गए होंगे, एक ही एटम की जहां बात करें जेड इफेक्ट और कोई सीरीज उठा ले तो सर अपने को अपने वाला फंडा बनाना है P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 S1 बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये मैं फिर कह रहा हूं आप यहां पर स्पेशल ध्यान दिया करो, यहां बहुत एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ये करेक्ट इनकरेक्ट दिखता ही नहीं आपको, तो यहां पर अपने क्या बना लिया करो सर्किल बना लिया करो एक, जिससे अपने दिमाग में ये करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनके तो और भी लफड़ा हो जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो सत्य नहीं है लिख देता है और अपने इतना ही पढ़ के चले जाते हैं सत्य है तो तभी गड़बड़ करते हैं। तो सर कह रहे हैं कि बार बार की कई बार लिख देता है नोट करेक्ट, कहने का मतलब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है क्यों सर। तो यहाँ पे पहला है सर अपना ऑप्शन है जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है एल्यूमिनियम की वो आपकी आई, ये कह रहा है I2 ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन I2, ये कहना चाह रहा है सर कि I2 जो एल्यूमिनियम की है ये है बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर मैं आप वाला फंडा लगाऊंगा इसमें, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो पी वाला निकल गया, एक एस से निकल गया तो ये सर फ्री S1 हो गया S2 एक आई, अच्छा आई टू सेकंड की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये 3S1 हो गया सर, क्यों 3S2 और ये अपना मैग्नीशियम बन चुका है 3S1 और आपने कहा था कि S1 और S2 में से ज्यादा किसकी होती है S2 की ज्यादा होगी, तो स्टेटमेंट क्या आ गया ये यहाँ पे इनकरेक्ट आ गया सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, पूछा क्या बेटा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट देखें सर, सीजियम हैज मोर मेटलिक करेक्टर देन मैग्नीशियम एंड बेरियम, ये भी सर वो अपना अभी क्वेश्चन आया था, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है और सीजियम की है तो इसमें हाँ आयनाइजेशन सबसे कम इसी में हो गई हाँ। इसलिए मेटलिक करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा हो गई, तो सीजियम है मोर मेटलिक, बिल्कुल सर ये सही है बिल्कुल सही, ये करेक्ट हो गया। मैंने अभी बताया था आपको लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटलिक करेक्टर क्या होंगे डिक्रीज होंगे, टॉप टू बॉटम जाते हो तो मेटलिक करेक्टर क्या होंगे इंक्रीज होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन भी बेटा यहां से बहुत बार वैसे तो ये बॉन्डिंग की पॉइंट है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, आप कैसे कंफ्यूज होते हो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं इनको। जी सर बच्चों को खाली पेज देता हूं आपको एक, यहीं पर लुटे इसमें बेटा देखो ये बंद ऊर्जा पूछ रहा है F2 और Cl2 भी, F2 और Cl2 नॉर्मली अपन देखते हैं बंद ऊर्जा जो ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल ओवरलैपिंग बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोन एनर्जी के, और इनवर्स होती है किसके, साइज के। ओवरलैपिंग साइज भी क्या हो गए, इनवर्स, तो बोन एनर्जी साइज के इनवर्स हो गई। तो अपने हिसाब से क्या होना चाहिए था कि एफ एफ बोन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, परंतु होता क्या बेटा, ये छोटा सा साइज है और तीन तीन लोन पे लेकर घूम रहा है। जैसे ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगने से इनकी बोन एनर्जी कम हो जाएगी, जीवन टूट जाएगा, और कहां पर चला जाएगा ये, बीआर बीआर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बोन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा सर अपने पास, सीएल टू, फिर उसके बाद में बीआर टू, बीआर टू, फिर एफ टू, एफ टू, और फिर आई टू। अब बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां कहां करते हैं, उसको याद है किसका, बोन एनर्जी का ऑर्डर याद है, किसका याद है, बोन एनर्जी का ऑर्डर याद है, वो बात किसकी कर लेता है, वो कहता है बोन लेंथ का ऑर्डर बताओ जी। तो बच्चे उठा के क्या करते हैं, जल्दी से इसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, ये रॉन्ग चीज है। तो जैसे कि सर ने कहा, आपको यहां ध्यान में किसको रखना है, इस फंडे को याद रखना है कि लोन पे रिपल्शन यहाँ इनमें भी है, लेकिन इनकी साइज लार्ज होने से वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। अब चीज सुनना, नॉर्मल अपन क्या पढ़ते हैं, बोन एनर्जी इनवर्स होती है किसके, बोन लेंथ के। बेटा ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जबकि ये क्या आ गई, अब नॉर्मल कंडीशन आ गई किसके कारण, लोन पे रिपल्शन के कारण। अब इनमें बोन लेंथ देखोगे, अगर आपको बोन लेंथ पूछेगा तो बोन लेंथ अपन किससे देंगे, साइज से देंगे, साइज सबसे बड़ी किसकी है, आई टू की, फिर बी आर टू की, फिर सी एल टू की, और फिर एफ टू की। ये किसका ऑर्डर आया बेटा जी, बॉन्ड लेंथ का, मतलब बॉन्ड लेंथ में एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन किस वजह से, लोन पे रिपल्शन की वजह से। क्यों सर? यस सर, ऐसा ही सर, फिर तो ऑक्सीजन फैमिली में भी होगा, नाइट्रोजन में भी, बिल्कुल ऑक्सीजन। उससे पहले यहां कंफ्यूज जहां होते हैं बच्चे उनमें बात करें, एक बच्चों को पूछा जाता है HF, HCl, HBr और HI में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा के लिए बात करें, इनमें बंद वियोजन ऊर्जा की बात करता है, तो वो क्या पूछता, तो ये आंसर किसका देते हैं, इसका देते हैं, बिल्कुल सर, पूछता ये आंसर किसका देते हो तुम, इसका। यहां बंद वियोजन ऊर्जा बीडी की बात करता है, तो सबसे ज्यादा HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की आएगी, क्योंकि यहां पर लोन पे रिपल्शन नहीं लगता। तो लोन पे रिपल्शन कब लगेगा, जब दोनों पर लोन पे, और दोनों किसके हो, सेकंड पीरियड के हो, बिल्कुल सर, ये मेरा फंडा याद रखना, जब दोनों किसके हो, सेकंड पीरियड के हो, और दोनों पर लोन पे होगा, तभी लोन पे रिपल्शन लगेगा, वरना लोन पे रिपल्शन नहीं लगेगा। मतलब ये कह रहे हो सर, साथ बैठेंगे तो ही लड़ेंगे, दोनों सेम हो तभी लड़ेंगे, बिल्कुल सर। तो सर इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से दे दिया आपने, क्यों, बिल्कुल सर। तो अगला देखें, F2 में बंद ऊर्जा Cl2 की तुलना में अधिक होती है, ये गलत बात है। मैं सर चाहता हूं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को नाइट्रोजन फैमिली का और ऑक्सीजन का भी बताएं, वहां पर कौन से ऑर्डर पे जाता है नाइट्रोजन। यहाँ बात करें अपन ऑक्सीजन के लिए बात करें, SS की बात करें, ठीक है, यहाँ वैसे अपने को डाटा ज्यादा याद नहीं रखना इसका, नाइट्रोजन की बात करें, और फॉस्फोरस की बात करें, तो यहाँ भी लोन पेयर है, कितने हैं, इस पर दो लोन पेयर है, इस पर भी क्या है, दो लोन पेयर है, यहाँ एक एक लोन पेयर है, तो यहाँ भी लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ ज्यादा किसकी हो जाएगी, SS सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, फिर बोल रहा हूं SS सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है किससे, OO सिंगल बॉन्ड से, और यहां भी बात करें तो NN सिंगल बॉन्ड से ज्यादा किसकी, PP सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है किससे, NN सिंगल बॉन्ड से, पर अगर मैं यहां बात करता कार्बन कार्बन एंड सिलिकन सिलिकन, तो यहां देखो कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, कार्बन कार्बन की होगी। तो अपना फंडा सही है कि यदि दोनों के ऊपर लोन पेयर हुआ और दोनों सेकंड पीरियड के हुए, तभी लोन पे रिपल्शन लगता है, वरना लोन पे रिपल्शन की बातें नहीं करते। कहने का मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि 15, 16 और 17 ग्रुप में फोकस करना है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन में अपन देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया सर अपना, रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सर। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अगले ऑप्शन में अपन देखते हैं, तो देख लो, जीरो ग्रुप एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, इसलिए इसकी जो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, कैसा होता है, एंडोथर्मिक, बातें कर चुके हैं इसकी, ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जीरो ग्रुप के लिए जब भी पूछे तो आपको एक चीज और ध्यान में देनी है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे वो तो जीरो बोलनी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो वो आपको पॉजिटिव लिखनी है, क्यों सर, बिल्कुल सर। तो ये अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्यों सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी सर।
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज. आयनन विभव के मानों के अनुसार सही कथन है. देखिए आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन आईपी ऑफ ऑक्सीजन. अभी अपन ने बात की है कि नाइट्रोजन P3 है, ऑक्सीजन क्या है P4 है. P3 की ज्यादा होगी किसे P4 से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आप वाली चीजें सर काफी काम आसान कर रही है. अब बोरोन का भी सर IP2 की बात कर रहे हैं, IP2 की तो इसका तो H2 बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये बन चुका है सर P1 तो H2 की ज्यादा होती है P1 से. तो ये क्या बोल रहा है, IP2 ऑफ बोरोन इज मोर देन IP2 ऑफ कार्बन. बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है. बिल्कुल, और अपने को यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही देखने हैं. क्यों सर? सर बिल्कुल, ये थर्ड अपना कह रहा है सर IP2 ऑफ सोडियम. मैं इसको हटा देता हूँ सर, एक बार इस पे आ गया, बच्चे समझ गए. IP2 ऑफ सोडियम इज मोर देन IP1 ऑफ नियोन. तो IP2 की बात कर रहा है तो सर ये भी नियोन बन चुका है, लेकिन ये सोडियम प्लस है. क्यों सर? बिल्कुल सर, और ये अपना नियोन है तो इसका जेड इफेक्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है. कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार तो ये नियोन है, लेकिन ये केटायन बना चुका है सर, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट. आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आए उस पर अपना ही फंडा लगाना है. जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आईपी की वैल्यू घटेगी. वहां पर कहने का मतलब वही सर वाली बात है कि वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन को रोल नहीं देना है. क्यों सर? जैसे आपको बात करें एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, नियोन, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, कार्बन -4. अगर इनमें आपके पास आईपी की बात करें तो मैं सर आपका फंडा लगाऊंगा. बिल्कुल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा किसका, आईपी का. कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए इसमें. नेक्स्ट करें सर, आगे चले सर, इसको थोड़ा हटा देता हूं इस पे. बिल्कुल सर, फोर्थ वाला है सर IP3 ऑफ कैल्शियम इज मोर देन IP1 ऑफ आर्गन. आर्गन की तो IP1 की बात कर रहा है सर, और कैल्शियम के लिए IP3 की बात कर रहा है. तो 3 का मतलब है ये सर ऑलरेडी आर्गन बन चुका है, लेकिन कैल्शियम प्लस 2 आ चुका है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो आप वाली आगे सर आईसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो इसका ज्यादा होगा कैल्शियम का ज्यादा. तो सर बिल्कुल सही बात है, तो यहां पर तो सर सारे करेक्ट हो गए. बिल्कुल, तो मैं तो पहले ऑप्शन. क्यों सर? बिल्कुल सर, ऑल ABC and D आर करेक्ट. मैं कह रहा हूं इस पर अपने वाला फंडा लगाओ, सारे क्वेश्चन आपसे आईपी के हो जाएंगे. नेक्स्ट आगे चले सर. बिल्कुल सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है सर. बिल्कुल, गलत कथन देखते जाएंगे. नेक्स्ट देखें आप सर, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. तो ये तो सर अपन इनको ऑलमोस्ट सेम पढ़ते हैं, वही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लगभग ऑलमोस्ट जेड इफेक्ट और सेल्डिंग इफेक्ट एवरेज है. बिल्कुल सर. क्यों सर? तो ये तो अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया सर. बिल्कुल सर. फिर आगे है सर IE2 ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट अमंग द मेटल. मेटल में तो सर सबसे हल्की यही है, और ये भी अगर IE2 की बात करें मतलब लिथियम प्लस बन चुका है. बिल्कुल सर. तो बिल्कुल सर हाईएस्ट इसी की हो गई. क्यों सर? पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर न्यूट्रल एटम में देखी जाए तो सबसे ज्यादा अपने किसकी मिलती है, हीलियम की मिलती है, और ये हीलियम ही बन चुका है. बन चुका है ऊपर से सर, वो आप वाला फंडा प्लस आ गया. बिल्कुल सर. क्यों सर? बिल्कुल. थर्ड वाले की बात करें सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलेनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. सिलेनियम और ऑक्सीजन में बात कर रहा है, तो देखो सर मेरे हिसाब से जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल साइज है, और 2p4 अपना कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन एड होने वाला है वो स्मॉल साइज के 2p में आएगा, तो रिपल्सन लगेगा. रिपल्सन लगेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, जबकि सिलेनियम का साइज लार्ज है. लार्ज है तो होने को तो इसके भी सर वही है. क्यों? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है वो लार्ज साइज है, तो रिपल्सन कम क्रिएट करेगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. तो सर मैं तो इसको सही बोल रहा हूँ. ठीक है सर, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो ऑक्सीजन का जो ई है नॉर्मल, तो वो आपको पूछेगा नहीं वो कहाँ बात करता है, वो सल्फर और ऑक्सीजन के लिए बात करता है. और यहाँ पर एक फंडा अपनाना आप, जो क्या है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो पूछता है तो ये ज्यादा, तो या तो इसके अंदर बात करता है आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए बात करता है. अगर आपको इनमें कंपेयर कराए तो आप सीधा सा एक अपनाएं. क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में इनमें ले ले 15 16 या 17 ग्रुप में बात कर ले, तो सीधा सीधा क्या करना है, ऐसे जेड बना देने हैं, हर जगह आपके सारे आंसर आ जाएंगे. सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर किसकी होगी बेटा, फ्लोरीन की,
फिर किसकी होगी सल्फर की, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा फॉस्फोरस और फिर कौन आएगा नाइट्रोजन, ये इनका ऑर्डर आएगा अपने पास। मतलब उल्टा एन बनाते जाओ मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये ऑर्डर आ जाएगा। एक चीज थोड़ा अगर आपको इसके अंदर बिल्कुल कंपेयर कर, वैसे तो नहीं करवाएगा फिर भी करवा ले, तो ऑक्सीजन सबसे नीचे आता है इस ग्रुप में, याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं पूछा जाएगा फिर भी अगर किसी को याद रखने की, कई कई बुक्स में वगैरह में कहीं आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको ये याद रखना ऑक्सीजन यहाँ सबसे नीचे चला जाता है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो 15 ग्रुप और 17 ग्रुप है उसमें तो सेकंड से थर्ड की ज्यादा होगी, लेकिन अगर अपना 16 ग्रुप हुआ तो वो फिफ्थ पीरियड से भी कम चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तत्वों के समस्थानिकों का आयन विभव होता है। अब बेटा इस क्वेश्चन करने के लिए अपन एक छोटी सी बात करते हैं कि आयन विभव मेनली किस पर डिपेंड करता है, आयन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल मेनली किस पर डिपेंड करता है। बेटा सबसे बड़ा फैक्टर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्या आईपी। अब जेड इफेक्ट की नॉर्मली अगर बात की जाए तो आइसोटोप के लिए अपन कैसे बताएंगे कि आइसोटोप में क्या चीज अलग होती है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल होता है, तो उसका अपन ज्यादा उसके भार पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके जेड इफेक्ट पर कोई मतलब ना तो जेड इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वही है तो ना इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, मतलब सेटिंग भी नहीं बदल रहा और अपना जेड इफेक्ट भी नहीं बदल रहा, तो इससे इसका मतलब तो मतलब की सेम रह गया। क्योंकि जेड इफेक्ट के लिए बात करते हैं बेटा, जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, ये किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर बता सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू दी होती है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, किस पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटॉन सेम है तो ये सेम रहेगी। और जैसा कि सर ने बताया आइसोटोप में तो जेड पी और ई ये तो अपने सेम होते हैं, ए और एन ये डिफर होंगे, क्यों सर? बिल्कुल सर, यही हुआ, बिल्कुल सर। तो इसमें फर्स्ट लगा दे सर क्यों? एक चीज मैं अभी थोड़ा सा एक बात बताता हूँ आपको। जी सर बताइए। जो आगे बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, एक होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण, नाम से चल रहा है प्रोटोन का अटैक, प्रोटोन का अटैक नहीं होता, वो किसका अटैक होता है, एच प्लस का अटैक होता है। क्यों? क्योंकि एच प्लस में बेटा जी क्या चीज है, अपन प्रोटोन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें एक प्रोटोन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं अभी मैं, किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। अब मैंने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस वन बनाया, सॉरी ये जीरो, सॉरी ये कैसा जीरो। अब मैंने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस वन बनाया तो इसमें से क्या कर दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बाहर कौन गया, ये भी गया, तो जो H प्लस में ओनली क्या बचा हुआ है, प्रोटॉन बचा हुआ है। इसीलिए H प्लस के आक्रमण को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनेशन बोलते हैं, प्रोटोनीकरण बोलते हैं। और जब जब भी प्रोटोनीकरण होगा संकरण में परिवर्तन नॉर्मली नहीं होता, अब समझ में आया चेंज नहीं होता। H प्लस को प्रोटोन क्यों बोलते हैं, अब समझ में आया, मतलब सर सेल खत्म हो गया, आप न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल के लिए, इसको भी तो हीलियम प्लस टू, बिल्कुल सर बताएं, हाँ बिल्कुल सर बताइए, या मैं बताता हूँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2 और मास कितना होता है 4, और एच ई प्लस टू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब प्रोटोन की वजह से इसका चार्ज तो रहा वही 2 और इसका मास रहा 4, क्यों सर? बिल्कुल सर, ओके सर, तो इसका मतलब अपना फर्स्ट आंसर ठीक है सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो सर 38 का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IP1, IP2, IP3, IP4 एंड IP4 ऑफ IP5 ऑफ एन एलिमेंट 7.1, 14.3, 34.5, ये डाटा दे रखे हैं, द एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी, वे एलिमेंट कहां से रिलेटेड हो सकता है, कौन सा हो सकता है। बेटा ऐसा क्वेश्चन काफी बार बातें कर चुके हैं, इसमें आपको क्या बताना है कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स देखने, ऐसा देखने के लिए देखो वो क्या करता है, आपको डाटा दे देता है। वैसे तो इसमें थोड़ा डाटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वरना आपको डाटा में काफी डिफरेंस देगा, जहां डाटा में ज्यादा डिफरेंस आता है उसका मतलब ये है उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन थे। जैसे इससे पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, एक्स है, इस एक्स की IP1, IP2, IP3 एंड IP4 दे रखी है, जैसे ये 10 दे रखी है, 20 दे रखी है, ये 40 दे रखी है और ये 400 दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए,
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने को डिफरेंस देखना है, मल्टीप्लाई से करके देखना है, यहाँ जस्ट डबल है, यहाँ जस्ट डबल है, पर यहाँ कितना हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है जी सर, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा है बिल्कुल सर। तो ऐसा आंसर देना है जहां डिफरेंस अपने को सबसे ज्यादा मिले, उसका मतलब उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन आए जितनी लो आईपी है, मतलब इन दोनों में से लो कौन सी है, ये वाली है जी। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां देख लें सर, करिए आप यहां जस्ट डबल सा है बिल्कुल सर, यहां से देखा जाए तो ये मेरे पास 4 वैल्यू छोटी रहेगी हाँ, और यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, 3 से ज्यादा 4 मल्टीप्लाई के आसपास है, ऑलमोस्ट 4 के आसपास है, तो यहां डिफरेंस ज्यादा, तो ये आईपी 1 है, ये आईपी 2 होगा, ये आईपी 3 होगा, ये आईपी 4 हुआ, और ये आईपी क्या हुआ भाई आपके पास 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन किन के होते हैं, 14 ग्रुप के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप का कौन है यार, सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन बिल्कुल आंसर आ गया। कोई भी आपके पास ऐसा है तो आप कर सकते हो, और क्वेश्चन आप देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो इसके रिलेटेड, जिससे आपकी थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक्स दिया आईपी 1 आईपी 2 आईपी 3 एंड आईपी 4 दिया, मैंने यहां लिखा 50 100 एंड 200 एंड यहां पर लिखा 2000, तो आप देखें बताएं सर। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से आपने क्लियरिफाई किया मेरे हिसाब से 3 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल यहां डिफरेंस सबसे ज्यादा है बिल्कुल, तो इस आईपी के बराबर, मतलब ये आईपी 3 है तो ठीक 3 होंगे उसके आउटर मोस्ट में, 3 किसके होते हैं, 3rd एक या 13 ग्रुप के लिए आप बोल सकते तो, हैं। सर का कहने का मतलब सिंपल सी एक चीज है कि जब भी आपका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्यों सर, बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा और काफी बार ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, अपने को IE1 IE2 IE3 IE4 की वैल्यू दे देता है बिल्कुल सर, और इसमें वैल्यू दे दी सर IE5, तो यहां पे सर 3 दे दी, 5 दे दी, 7 दे दी, ये यहां पे अपने कहते कि 40 दे दी, यहां पे 50 दे दी, और यहां पे 60 दे दी, इस प्रकार की वैल्यू ऑप्शन में सर दे देता है, जैसे बेरिलियम दे देता है, मैग्नीशियम दे देता है, फिर सिलिकॉन दे देता है, और एल्यूमिनियम दे देता है। अब सर इसमें देखे तो अपन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आप ये देखो कि बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 4 है, तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 5 पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो अपना आंसर मैग्नीशियम आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है क्यों सर ऐसा, बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों में से कौन सा करें, बच्चे ये बोलते हैं ये तो बोनस जाएगा, हाँ बिल्कुल सर, बच्चे बाहर निकल के आते हैं कि ये तो पक्का बोनस है, जब आंसर मिलता है आंसर आता है दिमाग बाद में चलता है, क्योंकि वहां तो दिमाग चलता ही नहीं है। बिल्कुल सर आगे चले सर, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 39 सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आईपी, वो सर आप वाला नहीं, वही सेम, किसके बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में जंप है। अभी सर ने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से निकलेगा आयनाइजेशन एनर्जी अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी, यहां पे गैप पूछ रहा है, इसका मतलब 2 तो वैलेंस है और तीसरा इनर्ट से निकल रहा है, तो उस हिसाब से तो सर ये 2 निकल गए और तीसरा इनर्ट से जा रहा है, लार्ज जंप आ गया सर। अब यहां देख लो इसके आउटर मोस्ट में कितने हुए, 4 हो गए सर, इसके आउटर मोस्ट में कितना 1, और इसके आउटर मोस्ट में कितने हुए, 3 हो गए क्यों सर, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, तो मतलब सर ने जो लैंग्वेज दी थी ना काफी क्वेश्चन उससे सही होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सर, इन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट जनरली फॉर्म ऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ नेचर, अवर सारणी के बाएं सिरे पर उपस्थित तत्वों द्वारा निर्मित सामान्य ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, कल ही अपन ने बात की थी क्या बेटा जी, ये लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर क्या होंगे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर होगा, उधर एसिडिक होगी और इधर एसिडिक। मैंने कल बेटा जी आपको बताया था कि आप एक फंडा याद रखें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ रहे हैं जी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होंगे, एसिडिक नेचर डिक्रीज होंगे, किसके लिए, किसके लिए बताया था अपन ने, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड के लिए सेम बताया था, अगर एसिडिक इंक्रीज हो रहे हैं तो बेसिक डिक्रीज हो जाएंगे, तो इधर क्या चीज रहेगी मैक्सिमम, बेसिक चीजें रहेंगी, तो आंसर आ जाएगा अपना अधिक क्षारीय, मोर बेसिक, सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सर,
इसमें सर एक चीज अपन और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे अपन बात करें मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना वो बेसिक होते हैं कुछ एक को छोड़ के, और वैसे ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, एसिडिक, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटलिक में तो N2O NO दो तो नाइट्रोजन के और एक कार्बन का, ये न्यूट्रल हो गए क्यों सर। इसके अलावा मेटलिक में अगर बात करें तो अपना एक तो बेरिलियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड, एक अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक गैलियम ऑक्साइड, एक टिन का ऑक्साइड, एक लेड का, आर्सेनिक का और एंटीमनी का, क्यों सर। ये अपने एम्फोटेरिक हो गए। इसके अलावा थोड़ा सा लोचा डीप लॉक में है, डीप लॉक में जब आपका मेटलिक ऑक्साइड है +1 +2 +3 में है तब तो वो बेसिक है, और +5 +6 में है तो वो आपका कैसा है, एसिडिक है, और अगर मॉडरेट आ गया +4 में तो आपका कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है Cr2O3, ये +3 में होकर के भी एम्फोटेरिक है, बाकी कहीं पे कोई लोचा नहीं है, क्यों सर। बिल्कुल सर। तो यहां पे सर अपना आंसर सेकंड हो ही गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी अरेंज, ये तो सर मैं आप वाला फंडा लगाने वाला हूं। बिल्कुल सर, वो लगाओ, उल्टा एन बना दू। बिल्कुल, तो अपने पास देखो पहले तो इनको अरेंज करो सर। क्या कहते हैं कि जब भी ऑर्डर पूछे पीरियडिसिटी में तो सर ने आपको एक बात कही है कि उसको पीरियडिक टेबल में सेट कर लो, वो बनाई इसलिए कि ताकि प्रॉपर्टी आसान हो जाए। ग्रुप और पीरियड में जितना ज्यादा डिवाइड करके चलोगे क्वेश्चन को, अगर अरेंजमेंट के लिए बात की है तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसे अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन दिया नहीं अपने को, और ये क्लोरीन हो गया। अब इनमें बात करें सर, अपने L2R जाते हैं तो इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ गया सर, P3 आ गया। क्यों सर, तो P3 आते ही और इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गया P2 और इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ गया P4, तो P3 तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, इस वजह से इसकी EA कम हो गई। क्यों सर, पीछे चला जाएगा। तो सबसे कम तो हो गई नाइट्रोजन, फिर इससे ज्यादा अपनी होगी कार्बन, इससे ज्यादा ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा आ गई क्यों, क्लोरीन। तो अपना आंसर हो जाएगा सर इसमें क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सेकंड हो जाएगा सर। बिल्कुल। यहाँ पे सर पूरी पीरियडिसिटी की अपन बात बच्चों के साथ कर ले तो ठीक रहेगा सर, पूरा एक सेकंड पीरियड बता दे। बता दो सर। तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको ईए के ऑर्डर एक पीरियड में से सेट करने हो तो आपका जो 18वां ग्रुप है, 18th जो ग्रुप है, जीरो ग्रुप जिसको कहा जाता है, इसके लिए तो आप ये मान लिया करो कि जीरो, ये एक ट्रिक है याद रखने की। सेकेंड ए की जब बात करें मतलब दूसरे की, तो उसके लिए ऑलमोस्ट जीरो बोल लिया करो, ये एक याद रखने की ट्रिक है। और अपना जो फिफ्थ ए है जिसको अपने 15 ग्रुप बोलते हैं, उसके लिए बोल दिया करो कि वेरी लो है, इससे आपको क्या एक सीक्वेंस मिल जाएगा। कैसे, देखो सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में कौन आ गया, अपने लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नियोन आ गया। तो सबसे पहले तो इस 18वें को अलग कर लो, फिर अपने 15वें को अलग कर लो, उसके बाद में अपने दूसरे को अलग कर लो, और इधर जाते हैं तो ये हमेशा बढ़ती है, तो वो तो मैंने जीरो बोल दिया, तो सबसे कम तो हो गई नियोन की, उसके बाद में इसको ऑलमोस्ट जीरो बोला तो आ गया अपना बेरिलियम, उसके बाद में इसको वेरी लो बोला तो वो आ गया अपना कौन, नाइट्रोजन। फिर यहां पे एक चीज और याद रखनी है आपको, वो लिथियम और बोरोन को, ये भी सर याद रखने वाली चीज है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। तो बोरोन आपका आ जाता है पहले, फिर अपना लिथियम, उसके बाद में अपना आ गया कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको कैसे याद रखोगे, इसको ये याद रखना है कि जो आपका S1 है वो आपका ज्यादा रहेगा किससे, P1 से। देखो बेटा एक चीज और, यहां पर लिथियम है वो S1 है, एक इलेक्ट्रॉन लेते किसमें जा रहा है, S2 में जा रहा है, मतलब स्टेबल ज्यादा हो रहा है, किसके कंपेयर में, बोरोन के कंपेयर में। बोरोन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें जाएगा, P2 में जाएगा, P2 के कंपेयर में अपन बात करें तो S2 फुल फिल्ड मानते हैं सबसेल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सॉरी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं जैसे नियोन है, अब देखो एक फंडा इसमें देखें, नियोन से में अपन क्या था, 2p6 था, इसमें नया सबसेल स्टार्ट, सॉरी नया सेल स्टार्ट हो रहा है, और जो बेरिलियम है इसमें क्या होता है 2s2, इसमें क्या नया सबसेल स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन में क्या बेटा P3, इसका हाफ फील्ड आप खराब कर रहे हो। एक हिसाब से आपको देखा जाए मकान बनाना है, घर बनाना है आपको, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे आपको जोर ज्यादा आएगा, इसलिए इसमें नया सेल स्टार्ट करने में जोर ज्यादा आएगा, मतलब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा आप कर रहे हो मकान बनाया हुआ उसके छत के ऊपर छत बना रहे हो, उसमें आपको जोर कम आएगा। तो ये आप सब सेल स्टार्ट कर रहे हो, सबसे बड़ा कौन है सेल, फिर सब सेल, और फिर उसका हाफ फील्ड खराब कर रहे हो, मतलब आप पार्टीशन कर रहे हो किसी में, पार्टीशन कर रहे हो मतलब उसमें जोर और कम आएगा। तो सबसे कम किसका आएगा, नियोन, फिर बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। ये फंडा याद रख लो, असर वाला जो होता है दोनों फंडे अपन याद। इसके बाद में आपको एक और याद रख लेना है, पहले P1 आएगा और फिर S1 आएगा, बिल्कुल सर। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपना इसमें तो सर आंसर हो गया था सेकंड, तो बिल्कुल सर, नेक्स्ट ले सर, नेक्स्ट। हाँ सर, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, तो यहां पे कुछ परिवर्तन दिए गए उन पे अपने को विचार करना है। तो सबसे पहला तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्यों सर? वैसे फ्लोरीन तो ये भी आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। फिर आपका यहां पे ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, और यहां पे हमेशा ध्यान रखना फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनायन ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों? तो उसका सिंपल सा रीजन है, ये एनायन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज में रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो आते हैं देखते हैं सर, यहां पे अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। डेल्टा S3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 और डेल्टा H2। तो सर जैसा कि आपने कहा था कि सबसे ज्यादा ये पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है, फंडा वो सर ने कहा था N बनाना है, मैं कह रहा हूं जेड वाली बातें याद हो तो आप उसको लगाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब इनको अरेंज कर लो, पहले इनको अरेंज कर, क्लोरीन, बिल्कुल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तीन ही तो नेगेटिव है, बिल्कुल सर ऊपर लग लो, ये तीन ही तो नेगेटिव है, तो इसमें क्या था ऐसे था, अपना यहाँ कुछ है नहीं अपने पास, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन। इसमें साइन साथ रख लिया करो, नीचे की तरफ आए तो बढ़ती है और फिर यूं जाएगी, हमेशा ध्यान रखो साइन साथ रखो, सेकंड पीरियड से थर्ड की ज्यादा है तो एरो यू, फिर उल्टा है इधर जा रहा है एरो यू और फिर ज्यादा होगी, क्यों सर? नेक्स्ट, ये सही हो गया, तो ये तो सही हो गया सर। फिर डेल्टा H1, तो डेल्टा H1 अपना ये है इज लेस देन नेगेटिव डेल्टा H2, तो इन दोनों में से बात करें तो सर वही आ गया L2R चलते हैं, तो ये बढ़ती है, तो ये बढ़ती है तो ज्यादा नेगेटिव, तो ये होगी सर। तो यहां पे कह रहा है डेल्टा इज लेस नेगेटिव, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका स्टेटमेंट होगा, डेल्टा इज सर डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, सही हो गया, ये करेक्ट हो गया सर, है ना? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड अपना कह रहा है डेल्टा H1 डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 ये नेगेटिव है और डेल्टा H4 पॉजिटिव है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। तीन आने के बाद में तो चौथा आंसर होता है ही, फिर भी अपन देख लेते हैं। डेल्टा H1 डेल्टा H3 आर नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, डेल्टा H2 पॉजिटिव नहीं, डेल्टा H2 देखो अपन ने नेगेटिव निकाला, तो सर ये इनकरेक्ट आ गया, हो गया फोर्थ। काफी अच्छा क्वेश्चन था सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए सर बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ध्यान से अपने, इजी है, बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन आता है उतना ही इजी होता है। ABC आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट्स X, Y एंड Z। इसमें आप कंफ्यूज हो गए कहां, ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड कौन है, ABC है, एलिमेंट कौन है, X, Y, Z। तो ये अपन यहां करते हैं ABC, ये तो क्या है हाइड्रोक्सी, किसके किसके हैं, X, Y एंड Z के। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आए पढ़ते जाओ बनाते जाओ। तो ये तो जैसे कि सर ने कहा ये तो अपने हैं एलिमेंट और ये है अपना कंपाउंड, ठीक है सर। क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, आर इन द सेम पीरियड, ये एक ही पीरियड के हैं, ये सारे एक ही पीरियड के हैं, ये सेकंड के भी हो सकते हैं, थर्ड के भी हो सकते हैं, फोर्थ के हो सकते हैं, लेकिन पीरियड इनका सेम है। ऑफ द पीरियडिक टेबल give a give an aqueous solution of pH less than 7, pH की यहाँ knowledge होनी चाहिए आपको, less than 7 आ रही मतलब acidic होगा, less than 7 आ रही मतलब acidic होगा, less than 7 more than 7 आएगी मतलब basic होगा। तो ये क्या है यहाँ पर लिख दीजिए सर, less than 7 का मतलब क्या लिखा, less than 7 का मतलब हो गया सर acidic, acidic हो गया। तो सर इससे एक चीज समझ में आ गई मेरे,
लेस देन 7 एसिडिक है और एसिडिक हाइड्रोक्साइड तो नॉन मेटल बनाती है, तो ये तो नॉन मेटल आ गई सर। ये क्या आ गया अपने नॉर्मली नॉन मेटल, ये तो नॉन मेटल हो गया बिल्कुल सर। अब यहां पर एक बेटा ये चीज जो दी गई है सबसे बेस्ट चीज जो आपको बता रहा हूं, बी रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात याद रखना, एम्फोटेरिक मेटल्स लोग ऐसे लिख देते हैं कई जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा हो, परंतु जो एम्फोटेरिक मेटल है वो ओनली ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करती है। बिल्कुल सर। तो बी कैसा हो गया, एम्फोटेरिक उभयधर्मी। तो सर का कहने का मतलब यह है कि एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। क्यों सर, याद रखने वाली चीज ये है आप जैसे कह रहे हैं वाई को मैं एम्फोटेरिक कर दूं, क्यों सर? बिल्कुल सर, ये एम्फोटेरिक हो गया और इसके लिए मैं बोल देता हूँ सर जेड के लिए ये अपना मेटल मेटल हो गई, क्यों सर? हाँ जी, और एक ही पीरियड के। बिल्कुल सर। तो अपने को यहाँ पे सर ये देखना है, क्वेश्चन तो सर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो पहला कह रहे हैं सर द थ्री एलिमेंट्स आर मेटल्स, तो मेटल्स हो ही नहीं सकते सर, तो ये तो गया भाई। सर ने क्या किया है यहाँ पे, आप इस चीज को गौर से देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे थे सोल्व करते जा रहे थे, बड़ा क्वेश्चन है तो उसको पढ़ते चलो और जो आपको कह रहे हैं वो रफ फेज में करते चलो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम एक्स वाई जेड, तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो बिल्कुल नॉन मेटल की ज्यादा होती है फिर एम्फोटेरिक की, और ये तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। बिल्कुल। फिर आगे कह रहा है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन एक्स वाई जेड, तो ये तो सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्योंकि मेटल की साइज ज्यादा होगी। कल अपन बात कर चुके हैं लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होती है डिक्रीज होती है, क्यों? जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज डिक्रीज क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। मैं ये नॉर्मल कंडीशंस की आपको बात कर रहा हूं, अब नॉर्मल कंडीशंस आपको कहीं मिल जाएंगी, परंतु अपन इनर्ट गैस को इसमें काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनर्ट गैस में क्या देखते हैं अपन, वैन डर वाल रेडियस देखते हैं। ये बात कर रहे हैं अपन फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप के लिए, तो अपन ऐसी बात करें कि उसको इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए, किसको? इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो एक आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी मिलती है अपने को, क्षारीय धातुओं की अल्कलाइन मेटल्स की मिलती है, और सबसे छोटी रेडियस किसकी मिलती है अपने हैलोजन की, हैलोजन्स की मिलती है। सर बच्चे यहाँ पे एक गड़बड़ कर लेते हैं और अक्सर मैं भी इसको जल्दी यूं ही पढ़ रहा था कि एक्स वाई जेड हो गया तो अपन ने देख लिया एक ही पीरियड के तो साइज इधर जाने पे डिक्रीज होगी, लेकिन अपने आइडेंटिफाई किया एक्स वाई जेड नहीं लिखना है, इसको जेड वाई एक्स लिखना है, तो साइज ये हो गई सर। क्यों? बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से एक्स वाई जेड ये क्या हो रही है डिक्रीज, तो उल्टा हो गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्स वाई जेड कुड बी फास्फोरस, बिल्कुल यहाँ पे ये कह रहा है एक्स फास्फोरस हो सकता है नॉन मेटल है, तो बिल्कुल ये फास्फोरस हो सकता है क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड आपका ये ले लो ना पीओ एच थ्री ले लो, एच थ्री पीओ थ्री ले लो, या फिर आप एच थ्री पीओ फोर ले लो, क्यों सर? ऑक्सीएसिड हो गए, ये अपने एसिडिक होते हैं तो फास्फोरस हो सकता है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है तो बिल्कुल ये एल्यूमिनियम हो सकता है सर, और सोडियम तो सोडियम भी हो सकता है सर, सही है जेड अपने मेटल लिए, तो अपना ये करेक्ट हो गया। तो ऐसे में सर अपना करेक्ट हो गया सेकंड और फोर्थ, तो अपना आंसर हो जाएगा सर ये थर्ड हो जाएगा इसमें सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बिल्कुल सर, काफी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन उतना ही आसान था, इजी क्वेश्चन है, इसको बस लिखते हो चलो करते चलो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट आर अकॉर्डिंग टू गिवन कैरेक्टर्स, पहले निम्न में से कौन सी व्यवस्था दिए गए गुणधर्म के अनुसार सही है, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, तो सर आप कहूँ कि आप क्या देखना है कि सही की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कैरेक्टर। पहली बात करें एच एफ एस सी एल एच बी आर एच ए एसिडिक कैरेक्टर, कल ही अपन ने बताया था हाइपर एसिड के लिए टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो ये अपना पहला सही। सर ने कहा था नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, एम एच का मतलब है नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, आप एन टू आर चलते हो तो भी बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम चलते हो तो भी बढ़ेंगे, और अपन ने लॉजिक दिया था कि एल टू आर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन फिर कहा था अपने कि ट्रिक से जब सवाल हो रहा है तो इधर फंसने की जरूरत अपने को नहीं है, तो ये तो सर सही हो गया। सेकंड कह रहा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो सर बॉन्ड जल्दी टूटेगा, एच प्लस जल्दी जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी से दे दो सर इसको,
तो देखो हमेशा ध्यान रखो थर्मल स्टेबिलिटी, जब भी आपका इनका ऑर्डर लिख दे सारे एक साथ लिख दे, एसिडिक रिएक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, बोन एनर्जी, ये अपन लिख देते हैं जी, HF, HCl, ये याद रखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, वैसे तो ब्लॉक केमिस्ट्री में बात करेंगे अपन, यहां से यहां जा रहे हैं बोन एनर्जी डिक्रीज, बोन लेंथ इंक्रीज, इंक्रीज पहला को एसिडिक नेचर इंक्रीज, इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, क्या सी होगी डिक्रीज होगी, ये पूछ रहे रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल से उल्टा रिवर्स। आपको थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें याद रखनी है, जब किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी समझाई जाती है तो उसकी दो सीरीज है, पहली सीरीज में तो वो रखे गए हैं जिनमें पोली एटोमिक एनायन हो, जैसे कि कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, तो उनमें तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो फाई आयनिक पोटेंशियल के इनवर्सली होती है, और ये होता है आपका चार्ज अपॉन साइज, मतलब पोली एटोमिक जो आयन है उन आयनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, और जहां पर मोनो एटोमिक एनायन है जैसे कि हाइड्राइड हो गए, हैलाइड हो गए, उनमें अपने को थर्मल स्टेबिलिटी देनी है लैटिस एनर्जी से, और लैटिस एनर्जी होती है चार्ज अपॉन साइज, तो साइज से यह उल्टा जाएगी। तो देखो क्लोरीन से लार्ज हो गया, क्लोरीन उससे लार्ज, ब्रोमीन, आयोडीन, तो थर्मल साइज बढ़ी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो सर ने बताया कि जो अपनी रिड्यूसिंग नेचर है वो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली है, क्यों सर? तो अपना ये ऑर्डर भी सर सही हो गया, और सर ने थोड़ी देर पहले बताया था देखो कि बॉन्ड एनर्जी इसकी यहां आएगी, तो सर अपने को यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गई, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था सर, सही देखना है, सही देखना है, और बचा हुआ भी, तो ये दो करेक्ट हो गए सर, और ये अपना इनकरेक्ट हो गया, इसको उठा देता हूं सर एक बार। अभी यहां पर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो ये एसपी इसमें 50% एस करेक्टर है, sp2 इसमें 33.33% एस करेक्टर है, और इसमें अपने 25% एस करेक्टर है, एस करेक्टर बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, क्यों सर? बिल्कुल सर, ये एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन अपन क्यों कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं बेटा, एस किधर होता है, नाभिक के अधिक पास होता है, नाभिक के अधिक पास होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए एस करेक्टर बढ़ेंगे तो EN भी बढ़ेगी, तो मतलब सर इसको यूं याद रख सकते हैं मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जितना क्लोज रहेगा उतना अपना इफेक्ट ज्यादा दिखेगा इलेक्ट्रॉन, क्यों? तो अपना सर इसमें हो गया ABD, ए फोर्थ आंसर हो गया सर, बिल्कुल सर, ABD फोर्थ आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, बिल्कुल सर, देखिए सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एटम्स ऑफ आयोडीन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आई माइनस आयन इन द वेपर स्टेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इन द टर्म ऑफ किलो जूल पर मोल, ये फिजिकल से टच क्वेश्चन है, फिजिकल का सर, जब भी क्वेश्चन आता है ना मेरे थोड़ा सा होने लगता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो देखो यहां पे एक इक्वेशन दे दी, और देखो ये काहे का फिजिकल है, सिर्फ आपको बना रहे आप बन रहे हो, आई प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, आई माइनस यहां एनर्जी दे दी पर एटम की, और आपको पूछ ली किलो पर मोल की, लेकिन वहां जूल में है, यहां किलो जूल में है, तो बस इतना सा ही चेंजेज है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5.0 × 10^10 ये तो होगी एक एटम की, और आपको एक मोल की चाहिए तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किलो जूल में चाहिए तो किलो जूल में चाहिए तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो या 1000 का डिवाइड कर दो, तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ये -301 आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड, क्यों सर? बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कुछ कैलकुलेशन तो अपन कर देंगे, ये वाला काटा पीटी तो अपन कर देंगे, जो हार्ड है वो ये कर लेंगे, इजी वाली आप लोग कर लेंगे, हाँ सर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंड डी आर द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, इट्स एटॉमिक नंबर इज AZ-X, ये और ये, ऑर्डर ऑफ एल्कलाइन नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये वैल्यू दे दी जेड की और एक्स की, इनको क्या करो सीधा सीधा, पहले मैंने कहा ऐसी जब भी चीज आए उन्हें अरेंज करने की कोशिश किया करो, तो अपने अरेंज करें, ए क्या दे रखा है Z-X, बी क्या दे रखा है
जेड प्लस जेड प्लस थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू सी दे रखा है सर जेड सी दे रखा है जेड जेड डी दे रखा है सर जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स एक्स अब बेटा इनकी वैल्यू रख दो सीधी सीधी कहने का मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करो पहले हाँ तो बिल्कुल सर इसको सॉल्व करो बिल्कुल तो जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 11 में से एट गया तो ये आ गया 3 तो इसका मतलब सर ये तो हो गया लिथियम क्यों सर यहाँ पे वही चीज 11 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 2 तो ये अपना हो गया 35 तो 35 होने का मतलब ये आ गया सर ब्रोमीन 37 आ गया क्या हाँ 37 तो 37 मतलब रूबीडियम आ गया सर बिल्कुल सर क्यों सर बिल्कुल नेक्स्ट अपन चले जेड तो जेड तो दे रखा है 11 तो 11 तो ये सोडियम आ गया क्यों सर उसके बाद में जेड प्लस एक्स तो मतलब 11 प्लस 8 तो ये 19 आ गया मतलब पोटेशियम आ गया सर तो एलिमेंट आइडेंटिफाई अपन ने यहां से कर लिए देखो एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए मैं इनको हटा रहा हूं ताकि क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से कर सके आपने फाइंड आउट तो कर ही लिया क्यों सर हटा दो इसको एलिमेंट हो गया अपने पास ऐसा थोड़ा और कर देते हैं इसको ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया अब देखिए सर आगे अब ये एलिमेंट आपको मिल गए हैं अब अपना फंडा लगाएं सीधा सीधा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हो तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे इसने बेसिक की बात की है इसकी ये बेसिक की बात की तो बेसिक तो इंक्रीज होंगे सबसे नीचे इनमें कौन आएगा बी बिल्कुल सर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री होंगे बी के फिर कौन आएगा डी फिर कौन आएगा सी और फिर कौन आएगा लिथियम लो जी सॉरी लिथियम बिल्कुल सर लिथियम की जगह क्या है ए तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा आपका आंसर आएगा बी डी सी बिल्कुल आंसर आ गया बी मेरे को मिटाना सर बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मिट जाता है जल्दी से चले सर नेक्स्ट हाँ जी सर हाँ क्वेश्चन देखिए सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इन किलोजूल पर मोल इनवर्स आर एज गिवन बिलो हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के मान किलोजूल इनवर्स में दी नहीं चाहिए ये वैल्यू दे रखी है द लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ये कह रहा है होनी तो ज्यादा किसकी चाहिए फ्लोरीन की लेकिन ज्यादा होती है क्लोरीन की रीजन ढूंढना है आपको तो रीजन बताएं देखिए सर तो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस चीज को फ्लोरीन में तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है स्मॉल साइज के 2p में और ऑलरेडी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन ज्यादा देगा और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 3p में आता है और 3p में आता है तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसमें तो यहां पे रिपल्सन कम लगेगा क्यों सर तो अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द कंपाउंड 2p सबसेल बिल्कुल वही बात आ गई सर अपन बात कर रहे थे तो ये सही है लॉजिक वीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन बात तो सर ये भी सही है इसने दोनों ये सर ने बताई ये दोनों चीजें अलग अलग कर दी सर ने आपको एक जगह बता दी कि इसमें तो रिपल्शन लग रहा है और इसमें रिपल्शन नहीं लग रहा है इसने अलग अलग कर दी तो दोनों आंसर ये तो हो गए और सर ये और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई रिलेशन आपस में होता ही नहीं है तो ये आपको यहां बना रहा है आपको बनना नहीं है तो यहां पे सर ये आ जाएगा फोर्थ आंसर क्यों फोर्थ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बिल्कुल सर इन फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर द ऑर्डर ऑफ ये का ऑर्डर पूछ रहे सर आपका वो उल्टा है बिल्कुल सर तो सर ने जैसे बताया था मैं वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं देखे तो अपने पास एक तो दे रखी है 16 फैमिली और एक दे रखी है अपनी 17 फैमिली अरेंज कर दो सर ने यही कहा था जब भी पीरियडिसिटी का क्वेश्चन होता है आप पीरियडिक टेबल में पोजीशन दो तो ये ऑक्सीजन हो गया ये सल्फर हो गया ये फ्लोरीन हो गया ये क्लोरीन आपको पता है सेकंड से ज्यादा थर्ड की होती है और जैसे कि सर ने कहा उल्टा एन बना दो तो अपने पास सीक्वेंस आ गया ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन क्यों सर तो अपना आंसर यहां पे हो जाएगा क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर से थर्ड हो गया यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो जैसे सर ने एक फंडा दिया उल्टा एन वैसे मेरे पास एक उल्टा जेड का है सर इनमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो उल्टा जेड बनता है बिल्कुल सर बनाई ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन ये लो सर ये बन गया सबसे ज्यादा फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड सल्फर इसकी हो गई 2.5 इसकी हो गई 3.0 इसकी 3.5 इसकी 4.0
लेकिन सर का उल्टा एन है ना, वो शुरू से लेके लास्ट तक चलता है, अपना उल्टा जेड दो में ही चलेगा। अगर तीसरे के पास पहुंच गए तो पहले और तीसरे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आ जाएगी। इस चीज को भी बता दे सर, ये जैसे अपने पास आ गया 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप, तो ये हो गया अपने पास नाइट्रोजन, अपने पास ये हो गया ऑक्सीजन और इसके पास आ गया अपना फ्लोरीन, यहां आ जाएगा अपने पास फॉस्फोरस, यहां पर आ जाएगा अपना सल्फर और यहां आ जाएगा क्लोरीन, तो वही जेड बनाना है। लेकिन मैंने कहा जब तीन ग्रुप के पास चला जाता है तो इनकी कॉर्नर वाले की सेम हो जाती है, तो फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, ऑलमोस्ट सेम ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर भी स्मॉल साइज की वजह से अगर अप्रोक्स करना चाहे तो जब इन दोनों में बॉन्डिंग होगी तो ये ही नेगेटिव चार्ज रखेगा, क्यों नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे भी ये फंडा मतलब अपना काम कर जाएगा। अब यहीं पर एक अगर आपको क्वेश्चन बात करता है, कई बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल सर बताइए कि क्लोरीन और नाइट्रोजन, सर आप ईएन तो सेम बताते हो पर जो क्लोरीन है नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करता। जी बिल्कुल सर। और नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। जो सर ने फंडा बताया वही रीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज कैसा है, स्मॉल है, इसकी हल्की सी अट्रैक्शन पावर बॉन्ड बनने के बाद में ज्यादा रहती है किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में, इसलिए नाइट्रोजन को जो कैलकुलेशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करते हैं, अपन इसको कैलकुलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं करते, पर कुछ जगह पर करते हैं जैसे क्लोरल हाइड्रेट है वहां पर रिंग फॉर्मेशन के कारण करते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे आगे नेक्स्ट। बिल्कुल सर, एच बॉन्ड की स्टेबिलिटी की वजह से क्लोरल हाइड्रेट पॉसिबल है। एच बॉन्डिंग में याद रखो फोन बनाता है एच बॉन्डिंग, PHON मत कर देना, फोन FON, मेरी इंग्लिश ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखिए सर द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, ये अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार दोबारा करना चाहो कर लें, पहले की बात कर चुके हैं सर, तो अरेंज कर दें सर इनको, तो लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, तो सर वही चीज, ये सेकंड का आ गया तो सेकंड की तो सबसे कम, इससे ज्यादा अपने बात की थी कि P1 की होगी, फिर उससे ज्यादा लिथियम की होगी S1 की और फिर कार्बन की, ये EA का ऑर्डर आ गया, तो कार्बन है, तो पहला ही अपना सर यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और इसने पूछा क्या है, करेक्ट वो ध्यान रखना। फिर अपने पास ये आ गया और ये वाला तो सर वाला फंडा ये वो ही आ गया, पीरियड का आ गया, तो सबसे पहले सिलिकन होता है, फिर फॉस्फोरस होता है, फिर सल्फर होता है, फिर क्लोरीन होता है, तो यहाँ पे सर वो आ गया P3, इसको मतलब 15 ग्रुप आ गया, तो इसको पीछे ले लेते हैं, फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, सल्फर है और फिर क्लोरीन, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये। फिर उसके बाद में इनकी बात करते हैं, तो अपन ने देखा था फेमस क्वेश्चन आपको बेटा याद दिमाग में आ रहा है, 17 ग्रुप सर ने बताई थी आपको, ध्यान में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज से इनवर्सली चलती है, ये ऑर्डर आएगा, लेकिन सेकंड पीरियड की कम हो जाती है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था थोड़ी देर पहले सर, वो रिपल्सन लॉजिक वाला, तो उस हिसाब से ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पे सर इंक्रीजिंग पूछ रहा है, ये हो गया डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सर, हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या था आंसर, तो ये भी गया सर। फिर उसके बाद में चलते हैं सर यहाँ पे, ये भी आपकी बात सही है, ये ध्यान देना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है इसने, अगर ऑप्शन में ये सही मिलता है तो ये आएगा आंसर, करिए सर। यहाँ पे बात करें तो सर मैग्नीशियम तो आ गया अपना सेकंड का, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, फिर इधर चलते हैं तो बढ़ते हुए चला जाएगा, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिलिकन हो गया, बिल्कुल सर, तो इसके अंदर अपना 49 में फोर्थ आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर अगर बेटा जी ये ऑप्शन नहीं होता तो आप ऐसे नहीं है क्वेश्चन छोड़ के आओगे, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, ये मान लो इसने बिल्कुल रॉन्ग दे रखा है, ये इसने बिल्कुल रॉन्ग दे रखा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, इंक्रीजिंग पर ध्यान नहीं देना, आपने वो सिर्फ करेक्ट पर देना है, पर इस क्वेश्चन को जो बनाया गया ये देखते हुए बनाया गया कि आप इस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, ये देख कर ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सर ए बी एंड सी आर द एलिमेंट इन द सेकंड शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड ऑक्साइड ऑफ ए इज आयनिक, दैट ऑफ बी इज एम्फोटेरिक एंड सी इज जेंट मॉलिक्यूल, जेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो,
आपके पास कौन आ जाएगा, सिलिकॉन बनाएगा, एम्फोटेरिक की बात करें कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा, और आयनिक कंपाउंड बनाता है कौन बनाएगा, सोडियम बनाएगा। इनके लिए बात कर लेते हैं अपन, ए बी एंड सी हैव एटॉमिक नंबर इन द ऑर्डर, तो एटॉमिक नंबर किसके ज्यादा होंगे, ये कौन है सी, फिर कौन है बी, और ये कौन है ए, तो सबसे ज्यादा ए सी के, फिर बी के, फिर ए के, तो अपने पास आ गया सी बी एंड ए, आंसर आ गया फर्स्ट, आ गया अपना आंसर आ गया फर्स्ट। इसमें खास तौर से जो ध्यान में देने वाली चीज है वो विशाल अणु है, लार्ज साइज एटम मतलब, नहीं तो इनर्ट गैस चले जाएंगे, नहीं लार्ज विशाल अणु मतलब एसआईओटेंट मॉलिक्यूल मतलब कार्बन फैमिली, क्यों सर, SiO2 एक नेटवर्क लाइक जालिकावत संरचना का निर्माण करता है, इसमें ये ध्यान रख लेना आप, इसकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक सिलिकॉन है चार ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा और एक ऑक्सीजन है दो सिलिकॉन से, हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3 रहेगा, क्यों सर, बिल्कुल सर, आगे चले सर, बिल्कुल सर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहां पे देखो वही चीज आ गई, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसको उठा करके यहां ले आना है, तो सबसे कम नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, क्यों सर, बिल्कुल सर, तो ये अपना आ जाएगा नाइट्रोजन बोरोन कार्बन ऑक्सीजन, थर्ड आंसर आ जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, करिए सर, फॉलोइंग एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन तत्वों में से अपेक्षित सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनको देख लो ये कौन है बेटा, ये कौन हो गया क्लोरीन, बिल्कुल सर, ये कौन हो गया पांच मतलब कौन हो गया नाइट्रोजन, ये कौन हो गया ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया, इनके लिए आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम किसकी होती है क्लोरीन की होती है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती ही ये क्लोरीन की है, और ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा सर, अपना 15 आ गया तो ना, आगे चले, हां जी सर, हां तो सर क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ए इज ई1 एंड आई पी इज ई2, हेंस ईए विल बी, तो यहां पे सर ईए पूछिए, तो ईए का आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये रिलेशन तो सर मुल्लिकन ने दिया था सबसे पहले, तो मुल्लिकन ने स्केल लगा दे, मुल्लिकन ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है IP का और अपना EA का क्या होती है एवरेज, क्यों सर, बिल्कुल सर, तो उस हिसाब से हो गया 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू IP प्लस EA, अपने को EA पूछिए तो EA क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस IP, अब डेटा रख दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो E1 से और इसको E2 से डिनोट किया है, तो EA का आ गया अपना फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर आ गया, क्यों सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ सर क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ O-2 स्टार्टिंग फ्रॉम O इज एंडोथर्मिक बाय 639 किलोजूल मोल इनवर्स, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O इज -141 किलोजूल मोल इनवर्स, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन होगी, अब ये देखो कह रहा है कि O से O- गए एंड O से O- से O-2 गए, यहां से मैं यहां जा रहा हूं बेटा, बिल्कुल डाटा वाले यहां से याद आ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी है 369 है प्लस में दिए सर, बिल्कुल, और यहां से यहां जो -41 है ये कैलकुलेट करनी है बेटा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इसमें से क्या करोगे, कर लोगे, कहने का मतलब ये है कि ये टोटल एनर्जी दे दी और आपको ये निकालना, तो इन दोनों का टोटल ये है, तो ये निकालिए तो क्या करना है माइनस कर दो टोटल में से, तो ये वाला पार्ट निकालना आपको एनर्जी का, तो ये E2 जो है ये अपने को निकालना, तो E2 क्या आ जाएगा अपना टोटल एनर्जी माइनस E1, क्यों सर, तो टोटल एनर्जी 693 माइनस E1 माइनस 141, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये सर आ जाएगा प्लस 780 किलो जूल पर मोल, क्यों सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, बिल्कुल सर, हाँ देखिए सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर कह रहे हैं करेक्ट का ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज नेगेटिव, तो इनकी तो सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव होती है, तो ये तो गया सर, बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वेल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन पीरियोडिक पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, बिल्कुल सर, बात है ये, अगर इसमें वेरिएशन आते हैं लेकिन रेगुलरली जनरली बात है, नॉर्मली अपन बात करते हैं तो उसके लिए अपन कह देते हैं, बाकी इसमें इररेगुलरिटी होती है, क्यों सर, तो मैं इसको सही कंसीडर कर सकता हूं, थर्ड देखिए सर, इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो इंक्रीज होता है सर, इंक्रीज होता है,
तो ये भी रॉन्ग हो गया. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस. नो, ऑलवेज एंडोथर्मिक नहीं होकर कभी कभी एंडोथर्मिक होता है, ज्यादातर के साथ है, ज्यादातर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. तो ये भी है. तो अपने सेकंड के साथ जाएंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू, वो सर आपने बताया था कल, मैंने बताया था. अगर एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जिसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्सोथर्मिक. अगर एक एक्सोथर्मिक है तो दूसरा उसका एंडोथर्मिक होगा. वो डायग्राम बना दे सर इनको. बिल्कुल सर, इसका अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक्स माइनस, तो ये है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आईपी. क्यों सर? तो इसकी है ये एक्स माइनस की है. तो अपना इस हिसाब से सर सेकंड आंसर हो गया. बिल्कुल सर, अपना वही फंडा है, एक एक्सोथर्मिक तो दूसरा एंडोथर्मिक. नेक्स्ट बात करें. देखिए सर, अब अभी मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम. इनकी क्या पूछी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी. मैंने कहा था ऑक्सीजन बहुत नीचे आ जाता है बेटा, इतना कम हो जाता है, बहुत नीचे आया था. सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पर? सल्फर की, फिर सेलेनियम की, और फिर किसकी आएगी? ऑक्सीजन की. ऐसा ऑर्डर देखिए किसमें है, अपने पास आंसर आ जाएगा. वही चीज याद रखनी है, 15 और 17 ग्रुप के लिए सर ने कहा था कि थर्ड से डाउन हो जाती है, और ऑक्सीजन जो फैमिली होती है उसमें फिफ्थ पीरियड से भी नीचे चला जाता है अपना. क्यों सर? अपना पोलोनियम से भी नीचे चला जाता है सिक्स पीरियड से. क्यों सर? जी सर, आगे चले. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये तो सर मेटलिक करेक्टर के उल्टा हो गया. मेटलिक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको इनवर्सली पूछा है सर, तो इनवर्सली पूछा है तो अपना ये आ जाएगा. बिल्कुल सर. क्यों सर? इसमें भी वही चीज है, जैसे करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना, वैसे इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का आपको यहां पे आप गड़बड़ करते हो. बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि यहाँ भी आप गड़बड़ करते हो, ये पूरा ढंग से नहीं पढ़ने का. ऐसे मानो कि आप 180 क्वेश्चन में से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे करके आते हो जो आपके मिस भी गलत पढ़ने से गलत रीडिंग से गड़बड़ होती है, और वो आपको क्वेश्चन आते हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन से दूर रखते हैं. सिलेक्शन से दूर मान लो या एक अच्छी रैंक से मतलब हाथ धोना पड़ता है सर. आजकल एक क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है, जनरली पीरियडिक टेबल के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपने को कहा जाता है अलोंग टू पीरियड एल टू आर, कभी कभी सर पूछ लेता है आर टू एल. बिल्कुल सर, तो वहां पे भी ध्यान देना पड़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से सत्य कथन है. बिल्कुल सर, अपन इसकी लगभग बात कर चुके हैं बच्चों से. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस जीरो, बिल्कुल ये जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. और अपने को यहाँ पे करेक्ट भी देखना है. आगे देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, बिल्कुल ये सर काफी देर से बता रहे हैं वही चीज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस इज पॉजिटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है. अपने पहले कहा ये जीरो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव. फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है. अपने साइन बनाया था कौन सा? ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये साइन याद रखो. उल्टा है, ज्यादा नेगेटिव होगी किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में. एरो साथ रखना ताकि कंफ्यूज ना हो. क्यों सर? तो चारों ही इसके सही आंसर आ गए. अपना फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर. यस सर, हाँ देखिए सर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा है अगर कॉन्फ़िगरेशन देकर क्वेश्चन आता है तो आप पहले उन्हें एलिमेंट में चेंज किया. बिल्कुल सर, तो पहला एलिमेंट कौन आ गया अपना बेटा? क्लोरीन हो गया. ये कौन है? पांचवे कौन है? नाइट्रोजन. ये अपना क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, और ये कौन है? सोडियम आ गया. आप इसको अरेंज कर सकते हैं. सबसे ज्यादा किसकी आएगी? फर्स्ट की. सबसे ज्यादा तो फर्स्ट की आ गई सर, फिर उसके बाद में अपने आ जाएगी इसकी थर्ड की. फिर ऑप्शन में आप ऑप्शन देखोगे वैसे ही एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आंसर आ गया आपका फोर्थ की आ जाएगी, और अपना फिर सेकंड आ जाएगा. क्यों सर? बिल्कुल सही, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर. 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर. आज सर सरप्राइज है आपके लिए. कैसे सर? दो क्वेश्चन और है सर. अच्छा अच्छा, ये देखो. ओके चलो. द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, ये पहले बात कर चुके हैं अपन कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता है
En की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये भी रीजन भी बता चुके हैं कि एस करेक्टर, एस किधर होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अपने को एसपी की मिलेगी, फिर एसपी टू की मिलेगी और फिर एसपी थ्री की मिलेगी। गड़बड़ है सर, ये यहाँ साइन गड़बड़ करता है, साइन गड़बड़ हो गया आपने। साइन ये बेटा यहाँ साइन डीपीपी में आप सही कर लेना, यस एसपी, फिर एसपी टू और फिर SP3 और ऐसे थर्ड आंसर कर लेना, थोड़ा करेक्शन कोई नहीं मिल रहा तो ये ऑप्शन थर्ड को अपने ये राइट कर लेना, ये आपको थोड़ा सा करेक्शन देखना है। क्लियर, नेक्स्ट ले सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम, बिल्कुल सर ये आपके लिए सरप्राइज था सर, एस ब्लॉक में आता है बिल्कुल सर। तो देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, डेंसिटी में आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वी, मतलब कि जो आपका मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और डाउन द ग्रुप दे रखे हैं सेट, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी बढ़ता है और मास भी बढ़ता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में जो इंक्रीमेंट होता है वो वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। कहने का मतलब डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज होगा स्लाइटली और आपका मॉलिक्यूलर वेट रैपिडली इंक्रीज होगा। क्यों सर? तो यहां पर देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो उस हिसाब से अगर इसमें इंक्रीमेंट मैं बता रहा हूं ज्यादा होगा और इसमें इंक्रीमेंट कम होगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो ऑर्डर तो आना चाहिए ये, क्यों सर? लेकिन होता क्या है सर, यहां पे अगर देखें तो इसमें अपना बाहर की तरफ 3D वेकेंट पड़ा है, क्यों सर? और इसमें जो 3D वेकेंट है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि 4s में भी इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इस वजह से यहां पर साइज अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी और साइज अबनॉर्मली इंक्रीज हो गई, इस वजह से इसकी डेंसिटी इससे कम हो जाएगी, और ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा सर? ये आ गया सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम। क्यों सर? फर्स्ट आंसर बिल्कुल। इसमें सर एक सेकंड में और भी लफड़ा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब अपन क्या करते हैं सीक्वेंस की वही चीज, यहां पे 3D अंदर की तरफ वैकेंट है, साइज अबनॉर्मली लार्ज हुई है और यहां पर 3D बाहर की तरफ है, तो ये अपना यहां आ जाता है डेंसिटी में। अब अपन ये देखते हैं कि ऑर्डर ये हो जाएगा कि ये तो यहां आ गया कैल्शियम है, अब बेरिलियम की कम हो जाएगी, लेकिन बेरिलियम अपने 3D पैकिंग की वजह से यहां आ जाता है, तो अपना सिक्वेंस आता है सबसे कम तो कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अपना बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। बेटा जब भी आपको बेरिलियम मिले दिमाग को सेट कर लेना कि कुछ तो गड़बड़ है, बेरिलियम कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेकंड पीरियड वाले अपने ग्रुप में गड़बड़ करने की इच्छा रखते हैं, ये किसके कारण? कल ही बताया था अपने डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। सर ये ध्यान रहे, बेरिलियम तो करता ही है आयनाइजेशन एनर्जी में, कर दिया ई में, कर दिया सब में, हर जगह कर रहा है, तो ये बेरिलियम आते ही याद रखें कौन सा CID का कुछ तो गड़बड़ है, दया को याद रखें। और जैसे कि नाम मेरा थोड़ा मैच होता है, बिल्कुल सर। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल सर, में यहाँ पे सर बच्चों के लिए वो और बता दे थोड़ा, कंट्रक्शन की वजह से क्या डेंसिटी में कुछ रिलेशन होता है क्या? कंट्रक्शन बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो देखो 3D से 4D में डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन लेंथ एंड कंट्रक्शन आ गया तो यहाँ बहुत है ज्यादा होती है। बिल्कुल ज्यादा तो होती है, लेकिन वो सर वो मत तुलना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का काफी अच्छा रहा। बिल्कुल सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन बात करेंगे सर केमिकल बॉन्डिंग की, ऐसे ही आपके पास कुछ रोचक सवाल लाएंगे जिसमें पूरा केमिकल बॉन्डिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो ऐसे मान लो आप ब्लॉक केमिस्ट्री आपको अपने आप याद हो जाएगी। गारंटी लेते हैं अपन कि आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग की बातें आपको समझ में ढंग से आ गई तो 70% ब्लॉक केमिस्ट्री की बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। शुरुआत हो चुकी है आपको, यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको हार्ड लगती है, आप धीरे धीरे देखते जाओगे, कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो इनऑर्गेनिक आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। मतलब आपको इस लपड़े में नहीं पड़ना, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं था, आपने देखा जो एक्सेप्शन है उसका लॉजिक है, उसका रीजन है। क्यों सर? तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। क्यों सर?